डर गए राहुल गांधी, अमेठी छोड़ भागे रायबरेली, स्मृति ईरानी ने हिलाई कांग्रेस की जड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आखिरकार अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस ने सस्पेंस को खत्म कर दिया, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा था। मसलन अमेठी छोड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली का रुख कर लिया है। रही बात प्रियंका गांधी की, तो उन्हें तो मौका ही नहीं मिला। यकीन मानिए, कांग्रेस का ये फैसला उसके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहना शुरू कर दिया है। सोचिए, जिस सीट पर कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे सकती थी, उसे बिना लड़े ही अपनी हार स्वीकार कर ली। उस रायबरेली में पहुंच गए जिसे भले ही सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब वहां के हालात भी कांग्रेस के फेवर में नहीं दिखते। ये फैसला एकदम किया हुआ नहीं लगता, फैसला बहुत पहले ही हो चुका था। बस माहौल को देखकर ऐलान करने के लिए सही वक्त का इंतजार किया गया। अब सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस को काफी खरी खोटी सुना रहे हैं, और सुनाए भी क्यों ना, बिना लड़े ही चुनावी मैदान से भाग निकलोगे तो लोग आरती तो उतारेंगे नहीं। खैर, रायबरेली से राहुल गांधी तो वहीं अमेठी से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। और सोचिए, केएल शर्मा से जब इस बारे में सवाल हुआ तो वो हक्के बक्के नजर आए, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। जब मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। आपको आ गया सर, ये प्लीज, नो प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए, ये बंद करो दरवाजा सर। ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर। अरे सर, ऑफिशियल आ गया, ये काफी सर आ गया, फेक नहीं है। नहीं, मैं बात करूंगा जिनसे भी करनी है, तभी तो मैं करूंगा। अभी बात नहीं भैया, सिर्फ टाइम दे सर कि अभी बात नहीं, अभी भैया अभी कर रहे हैं, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। वैसे कहा तो ये तक जा रहा है कि राहुल यूपी में किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन खड़गे ने उन्हें रायबरेली के लिए मना लिया। बाकी रही बात प्रियंका की, तो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें इस बार भी तैयार नहीं किया जा सका। रायबरेली के अलावा राहुल केरल की वायनाड सीट से लड़ रही हैं, जिस पर मतदान 26 अप्रैल को हो चुका है। अब ये हालात तो कांग्रेस के तब हैं जब स्मृति ईरानी ने खुली चुनौती दे रखी है, राहुल पर अमेठी से भागने का आरोप लगा रखा है। हैरानी देखिए, ये वो सीट है जहां से 2004, 9 और मोदी लहर के बीच 2014 में भी राहुल गांधी सांसद बने थे। फिर 2019 में स्मृति ने उन्हें हरा दिया, लेकिन अब 2024 में जब स्मृति ईरानी राहुल को चुनौती दे रही थी, तो राहुल लड़कर जीतने या हारने के बजाय पहले ही मैदान में भाग खड़े हुए। यूपी में सीट भी कौन सी चुनी, रायबरेली। अब रायबरेली का इतिहास भी जान लीजिए। साल 2004 से लेकर 24 तक सोनिया गांधी यहां से सांसद रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देकर सोनिया ने इस बार यहां से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और राज्यसभा जाने का फैसला किया है। तो अब बेटे ने इसी सीट को सेफ सीट मान लिया और चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया। राहुल रायबरेली से जीते या हारे, चर्चा उनके अमेठी छोड़ने को लेकर ही होगी। खैर, एक तरफ रायबरेली से राहुल गांधी, तो वहीं बीजेपी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। ये वही दिनेश हैं जो 2019 में सोनिया गांधी से चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने क्या लिखा, ये भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा, अमेठी को केएल शर्मा के हवाले छोड़ने का ये फैसला कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। अब सोचिए, अगर मोदी विरोधी पत्रकार भी कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ सोच कर ही उठा रहे होंगे। बहरहाल, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से कांग्रेस का ये फैसला कैसा है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।